क्या नाम है आपका? मनीष। मनीष जी, बन मक्खनी बनाते हैं या चाय भी बनाते हैं? चाय भी बनाते हैं। तो चाय हमको एक गर्मा गर्म बना कर दिखाइए आप। अभी बना के दिखा रहे हैं। तंदूरी चाय। मैं यहाँ पे कुछ सालों से आ रही हूँ। ये वाली स्टोर काफ़ी पुरानी नहीं है अंकल की, पास में उन्होंने पुरानी एक स्टोर खोली थी, तो काफ़ी टाइम से हम यहाँ की चाय और बन मस्का खाते हैं, विच इज़ वेरी अमेजिंग। तो यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। आपका नाम क्या है? सौम्या। चाय वाकई काबिल तारीफ़ है और एक अलग सा मज़ा है इसका। और कानपुर का काकादेव एरिया है ये, और अंकल मेरे पास मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं इनसे कि ऐसी क्या ख़ास बात है इस चाय में जो लोग इसके दीवाने हो रहे हैं। जी अंकल बताइए। भैया एक तो चाय मेरी जो है जी हुंडे में रहती है, और दूसरा तंदूर में पका के हम चाय देते हैं जी, और इसके अंदर पानी की कोई मात्रा नहीं होती है, इसमें इलायची अदरक का फ्लेवर होता है जी। दो तरह की मेरे पास चाय है, एक चॉकलेट चाय है और एक तंदूरी चाय। तो यकीनन चाय तो बिल्कुल काबिल तारीफ है, और मैंने जैसा कि मैं चाय का जायका ले रहा हूँ, और एड्रेस बता दिए हमारी व्यूवर्स को, ये A1 मार्केट काकादेव कानपुर पड़ता है। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर आइए और तंदूरी चाय का बेहतरीन तरीके से जायका लीजिए।